एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, हम शाम के लिए आज चलिए बना रहे हैं मूंग दाल का डोसा, जिसके लिए हमने 2-3 घंटे एक बड़ी कप मूंग दाल फुला के रखी थी। उसमें थोड़ी 2 हरी मिर्ची और अदरक डाल के उसे इस तरह पीस लिया है। इसमें मैंने नमक और चाट मसाला डाला है। इसका अब हम डोसे बना रहे हैं। ये देखिए, एक स्प्रेड किया है मैंने ऑलरेडी। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा रहे हैं। और इसको कवर कर देने हैं 2-3 मिनट के लिए। तो ये पक जाएगा तो इसे क्रिस्पी हो जाएगा, फिर इसे निकाल लें। इसके साथ सर्व करने के लिए हमने, देखिए, ये पुदीने की चटनी है, ओनली पुदीना। इसमें मैंने जस्ट एक प्याज, 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक, जीरा, नमक, थोड़ा सा गुड़ और नींबू डाला और उसको ग्राइंड कर लिया। ये तो सभी को आइडिया है, तरह तरह की चटनियाँ सब बनाते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन फॉर एवरीबॉडी। चलिए, डोसा एक तरफ से रेडी हो गया है हमारा। इसको, और ये चिपकना नहीं है, इट्स वेरी नाइस टू मेक इट, इसलिए इसको बनाने में बड़ा मज़ा आता है। दूसरे डोसे हैं तो स्पेशली ओट्स का डोसा तो बड़ा सॉफ्ट होता है, पलटने में ही तकलीफ होती है। इसमें हमेशा कुछ बाइंडिंग एजेंट डालना पड़ता है। ये जो है एक तरफ से तो पकी है, दूसरी तरफ से थोड़ा क्रिस्पी होने देते हैं। देखिए, डोसा एकदम क्रिस्पी हो गया है दोनों तरफ से। हम इसे एक प्लेट में निकाल दे रहे हैं। चलिए, दूसरा डोसा ही बना लेते हैं। बिल्कुल, मैंने बटर डाल दिया है, तो स्प्रेड कर लेते हैं। चारों तरफ थोड़ा सा तेल डाल देंगे, ऊपर ही थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इसको कवर कर देते हैं। सी, इट विल बी रेडी इन 5 मिनट्स। ये देखते हैं डोसा क्या बोल रहा है। कवर हमने निकाल दिया है, इसको थोड़ा और कुछ भी होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा पीछे में ऑरेंज ब्रश कर दें बैक साइड में। जिसे बिना ऑयल का अच्छा लगता है वो वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें चिपकता नहीं है ये तवे पे। आप इसको कवर कर सकते हैं 2 मिनट। देखिए, अच्छा क्रिस्पी हो गया है। हम इसे प्लेट पे निकाल दे रहे हैं, गैस को ऑफ करते हैं। सो दिस अवर मूंग दाल डोसा विथ कोरिएंडर चटनी इज रेडी। ये हमारा आज का डिनर है, तो आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से चटनी और डोसा बन जाता है एंड गोज वेरी टेस्टी। तो आप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।